जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। ये आप ये इन्होंने ज़रा ताज़ा डालें। फूड कोर्ट टाइप बना हुआ है, तो पकौड़े हम मैंने ले ली। पैसे दो इसको, ये 100 रुपये। ये जी ये खोए वाली कुल्फी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त अहबाब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद कहीं जाने आने का प्रोग्राम तो बना नहीं था, तो मैंने कहा कि वो जो सिलसिला हमने रोका हुआ था, जो हम आपको लाहौर के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ जगह दिखा रहे थे, तो मौसम इस तरह का है, शदीद है, कि वो तो प्रोग्राम ज़रा थोड़े से डिस्टर्ब हुए हुए हैं। तो कम अज़ कम आज आपको फोग दिखाते हैं, थोड़ा सा वो जो डेली व्लॉगिंग वाला सिलसिला है जो हमने शुरू करने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सके, तो उसकी तरफ वापस आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना जी दिखाते हैं, सराउंडिंग दिखाते हैं, मौसम दिखाते हैं कि फोग में ट्रेवल कैसे हो रहा है, और फिर इसके अलावा कुछ दिन की थोड़ी बहुत मसरूफियात जो पॉसिबल हो सकती हैं वो आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1:45 हो गए हैं दोपहर के, और धुंध की आप कैफियत देख लें। अभी तक जो है वो तकरीबन ये राउंड अबाउट 40-50 मीटर या 100 मीटर के अंदर अंदर विजिबिलिटी है, कुछ 60-70 मीटर, उसके बाद नज़र नहीं आ रहा। सराउंडिंग आप देख रहे होंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाएं। अभी मोटरवे पे मैंने चढ़ना है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या पोजीशन है। तो आज के दिन की एक महदूद सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको दिखाते हैं। चित्राल सीरीज़ के बाद मैं कोई ट्रिप नहीं कर सका, फिर लाहौर की सराउंडिंग और कुछ मुकामात आपको दिखाए, तो उसके बीच में एक प्रोग्राम बना के हम इसको रूटीन व्लॉग के नाम से चलें। अगर डेली नहीं तो हफ्ते में 2-3 व्लॉग डाला करें, आपको रूटीन एक्टिविटीज़ दिखाएं, मगर वो भी अनफॉर्चुनेटली तबीयत ख़राब होने की वजह से और कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं इतना अच्छा मिला कि जो आपको उसको कंटिन्यू मैं करता, तो फिर अब शॉर्ट्स की तरफ आए हुए हैं। तो अब इंशाल्लाह इस साल अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ट्रिप करेंगे, आपको दिखाएंगे, और डेली व्लॉगिंग की तरफ भी आऊँगा मैं, चाहे रिस्पॉन्स मिले ना मिले, सिलसिला शुरू करते हैं फिर देखते हैं, अल्लाह मालिक है। बस ये अर्निंग की खाली बात नहीं होती, जब एक व्लॉग बनाते हैं आप तो उस पर पूरा एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, व्लॉग बनता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, आप उसकी पूरा एक सेटअप बनाते हैं, सोचते हैं, फिर उसके मुताबिक जगह सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसको एडिटिंग में भी एक पूरा प्रोसेस है, मगर जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर उसमें ये होता है कि आप डिसार्ड हो जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि देख ही कोई नहीं रहा तो फिर फ़ायदा क्या। डंपर है वो बजरी वाला, ये धुंध की वजह से इसको कोई प्रॉब्लम बन गया है। मोटरवे पे आ गए हैं जी, मैंने कहा आपको थोड़ा सा मोटरवे का व्यू भी दिखाऊं। खुल गई है तकरीबन कोई 12-12:30 बजे के करीब खुली है, और अब क्या पोजीशन है ये आप देख ही रहे हैं। विजिबिलिटी की वही कंडीशन है कि आप तकरीबन
बस ये कुछ 70-80 मीटर से आगे बिल्कुल नज़र आना जो है वो कम हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है। मगर इतनी है कि ये 50-60 मीटर तक आसानी से आप देख सकते हैं। इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ओपन एरिया है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं कहाँ फिर रहा हूँ। ये है मोटरवे का वो वाला हिस्सा जो रिंग रोड की तरफ मुड़ता है, कालाश काकू इंटरचेंज की तरफ या आगे रिंग रोड की तरफ सियालकोट मोटरवे वाली तरफ। तो यहाँ पर मुझे काम है एक छोटा सा, ये शायद आपके इलम में हो कि जी सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी है, UET भी बनी है, UHS बनी है, वर्चुअल का भी कैंपस आ गया है। तो ये बड़ी एजुकेशनल सा एरिया बन चुका है। तो यहाँ पे मुझे एक काम है, मैंने कहा कि मैं वहाँ से भी चक्कर लगा लूँ और आपको थोड़ा सा ये धुंध का दिखाऊँ, ये थोड़ा सा ओपन एरिया दिखाऊँ। ये मेरे लेफ्ट पे UET है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही ये UHS है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और राइट साइड पे GC यूनिवर्सिटी है। तो ये तकरीबन UET तो मुकम्मल हो चुकी है, UHS के भी काफ़ी एरिया जो है वो बन चुका है, मेरा ख्याल है फंक्शनल हो चुका है, और GC यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस जो हैं वो शुरू हैं। मगर अभी बहुत सारे ब्लॉक्स और डिपार्टमेंट बनने वाले रह गए हैं, तो जो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने आना था तो मैंने कहा कि चलें आपको थोड़ा सा धुंध भी दिखाएँ, ये वाला एरिया भी दिखाएँ, और फिर इसके अलावा भी। यहाँ से मैंने बाहर निकलने राइट वाली साइड पे, मगर ये एक तो इनके स्कैनर बड़े वीक हैं। ये राइट वाली साइड पे बड़ा रश है जी, मैंने यहाँ से थोड़ा सा वन वे कट करना था, मगर अब मैं ज़रा ऊपर से आऊँगा। काफी लंबा चक्कर पड़ेगा। ये धुंध की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, ये सामने UET का गेट है, और ये मैं यहाँ से मोटरवे के नीचे से क्रॉसिंग कर रहा हूँ।
और ये बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया अभी पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, ये जीसी यूनिवर्सिटी है। ये सामने आप देखें जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, ये आप गेट देख रहे हैं। बस कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, मगर ओवरऑल जो है ना धुंध जो वो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। और अब ज़्यादा पढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि अभी 4:30 का टाइम है, तो अब आप खुद ही गेस कर लें अब शिद्दत बढ़नी शुरू हो जाएगी। मौसम को देखें, सराउंडिंग देखें और अस्सलाम वालेकुम, पकौड़े ताज़े है जी? जी फ्रेश है। दो थोड़े देख, हाँ जी, की रेट शेट लाया जी? सारा पकौड़े, हाँ 380 रुपये। और फिश? रोहू भी। पकौड़े कितने दे किलो पे? 150 रुपये। आधा किलो? 500। आधा किलो? 300 रुपये। आधा किलो पाए? आधा किलो, हाँ दो आधा किलो। ताज़ा दोगे या इन्हों ने गर्म करोगे? कर देंगे, ऐसा ग्लो हो पाए। हाँ ये आप देख रहे हैं जी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट है, यहाँ से फिश पकौड़ा और कुल्फ़ी ये अवेलेबल है जी। ये देखें जी, ये ऑलरेडी निकले हुए थे वो वाले पहले, मगर ये इन्होंने ज़रा ताज़ा डाले। ये यहाँ ये देख रहे हैं आप, ये सारा फूड कोर्ट टाइप बना हुआ है, तो पकौड़े हम मैंने ले लिए हैं। अब मैंने कहा यहाँ से ना ये कुल्फ़ी होती है बड़ी ज़बरदस्त, तो ये कुल्फ़ी लेते हैं इससे। ये बहुत जो है ना स्पॉट चल रहा है यहाँ पे, गर्मी सर्दी हर मौसम में ये खाने पीने का स्पॉट है। ये लाहौर शेखपुरा रोड पे है, खानपुर की नहर, ये देख रहे हैं आप। पैसे दो इसको, ये 100 रुपये। ये जी ये खोए वाली कुल्फ़ी। अब धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा राबता, छोटी सी मुलाकात पसंद आई होगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हौसला अफज़ाई करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अपना, अपने दोस्तों का, अजीज़ों कारब का, गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें और आने वाले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।